बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। साउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, हर ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो डिफरेंट होता है, हम पहचान सकते हैं उसको। तो ये कैसे हम इसके दरमियान डिफरेंस करते हैं वो इसके करैक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी। तो आज के टॉपिक में हम ये चारों करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो लाउडनेस है। लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ये वो करैक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसकी मदद से हम एक बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ या बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ के बारे में डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि आवाज़ ऊंची है या आहिस्ता है। हम ये किस करैक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफाइन करते हैं? लाउडनेस की वजह से। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वॉइस इज लो, बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज लाउड। यानी कि जब हम एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो तब हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, हम नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं। लेकिन जब हम एक गैदरिंग से बग़ैर माइक के बात कर रहे हों तो तब हमें ऊंचा बोलना पड़ता है, हमें अपनी आवाज़ लाउड रखनी पड़ती है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। लाउडनेस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले उनमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, दूसरा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो ये तीनों फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। लाउडनेस सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड कर रही होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे कैसे डिपेंड करती है? लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो लाउडनेस है साउंड की वो डायरेक्टली वेरी करती है किसके साथ? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आवाज़ लाउड होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा आवाज़ उतनी कम लाउड होगी, यानी कि आहिस्ता होगी। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लक इट्स वायर्स मोर वायलेंटली। जो सितार की वायर्स होती हैं अगर हम ज़ोर से प्लक करें तो आवाज़ भी ज़्यादा ज़ोर से आएगी, अगर हम आहिस्ता से इनको प्लग करें तो आवाज़ भी आहिस्ता आती है। When we beat a drum forcefully, the amplitude of its membrane increases and we hear a loud sound. तो इसी तरह ये जो ड्रम है अगर हम इस पर आहिस्ता हिट करें, ये तो स्लो मोशन में दिखाया गया है, वैसे ही अगर हम इसको आहिस्ता हिट करें तो आवाज़ भी आहिस्ता आती है, लेकिन अगर हम ज़ोर से हिट करें तो आवाज़ भी ज़ोर से आती है। लाउडनेस दूसरा कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है? एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वेरीज डायरेक्टली यानी कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो बॉडी जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा साउंड भी उतनी ज़्यादा लाउड होगी, और एरिया कम होगा तो आवाज़ भी आहिस्ता होगी। Sound produced by large drum is louder than that by small one because of its large vibrating area. अगर drum बड़ा हो तो उससे आवाज़ भी ज़्यादा पैदा होती है, और अगर drum छोटा हो तो उससे आवाज़ भी कम पैदा होती है। वैसे अगर शादियों पाकिस्तान में शादियों पे जो ढोल यूज़ किया जाता है, ढोल बड़ा होता है तो इस वजह से उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, जबकि जो ढोल की होती है वो छोटी होती है तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो ये भी एक एग्जांपल है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी वो फैक्टर है जो लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। कि जो बॉडी जिससे वो बॉडी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हम उससे कितना दूर हैं, ये भी डिपेंड करता है लाउडनेस पे। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी। पहले दो फैक्टर्स डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती थी। ये जो फैक्टर है यहाँ पे क्या है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो साउंड डिक्रीज करेगा। अगर ये ड्रम यहाँ पे बज रहा हो तो इस बच्चे को ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ सुनाई देगी,
और ये जो लड़की जहाँ पे खड़ी है, बच्ची है, इसको आवाज़ कम सुनाई देगी क्योंकि इसका वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस इस बच्चे की निस्बत ज़्यादा है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ईयर्स ऑफ ए लिसनर। ए साउंड अपीयर्स लाउडर टू ए पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू ए पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। जो लाउडनेस है वो किस चीज़ पे, फिजिकल कंडीशन जो ईयर्स की है उस पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर कान सेंसिटिव हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो किसी बंदे के, तो उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, और किसी के डिफेक्टिव ईयर्स हो, मतलब किसी को कम सुनाई देता है, तो उसके लिए डेफिनेटली वो आवाज़ कम सुनाई देगी। तो लाउडनेस इस चीज़ पे भी, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, पहले हमने लाउडनेस डिस्कस की, फिर उसके फैक्टर्स डिस्कस किए। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो पिच है। पिच क्या है? पिच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। पिच की वजह से हम क्या करते हैं, बारीक या मोटी आवाज़ में हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई भी आवाज़ बारीक है या मोटी है, वो हम किस वजह से, पिच की वजह से करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ए हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी एंड वॉइस पर्सन। यानी कि पिच किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर पिच हाई होगी तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच हाई है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी लो होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ मैन। जो फ्रीक्वेंसी होती है लेडीज की या बच्चों की, वो क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से उनकी जो पिच है वो भी क्या होगी, हाई होगी। और जो मर्द हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इनकी निस्बत लो होती है, इस वजह से क्या है कि उनकी आवाज़ मोटी होती है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होगी, पिच ज़्यादा होगी, तो आवाज़ बारीक होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज इलस्ट्रेटेड एज। अच्छा, द करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिसकी मदद से हम डिस्टिंग्विश करते हैं दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। यानी कि दो साउंड्स हैं जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान डिफरेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी की वजह से डिफरेंस कर सकते हैं। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड ए रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ ए पियानो एंड ए फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ दी साउंड्स। यानी कि एक रूम के अंदर अगर एक पियानो और एक फ्लूट बांसुरी बजाई जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बाहर खड़े होकर उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि किसकी वजह से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हम दोनों साउंड्स को देख सकते हैं कि कौन सा साउंड क्या। फिगर शोज द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फॉर फ्लूट एंड क्लैरिनेट। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ दीज थ्री साउंड आर द सेम बट देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट, सो देयर क्वालिटी इज डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी अदर। यहाँ पे स्लाइड में इनकी डायग्राम लगाना भूल गया हूँ। जो वेव फॉर्म होती है साउंड पिच की है, मतलब ये तीनों जो थे, ट्यूनिंग फॉर फ्लूट और क्लैरिनेट, इनकी जो वेव फॉर्म थी वो यहाँ पे नहीं लगा सका। वेव फॉर्म इन तीनों की डिफरेंट होगी, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं किसमें पिच और लाउडनेस। उनकी सेम हो तो हम क्वालिटी की मदद से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो इंटेंसिटी है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया, एक स्पेस, एक यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी एक सेकंड में गुजर रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे डिपेंड कर रही होती है इंटेंसिटी। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर।
जो इंटेंसिटी का साउंड है वो वाट पर स्क्वायर मीटर है। से जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है, तो उस वो ये डायग्राम में दिखाई गई है, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो इंटेंसिटी है वो भी दिखाई गई है। अच्छा, साउंड इंटेंसिटी लेवल, अब हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को देखते हैं। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10^-12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू मोर देन 1 वाट पर स्क्वायर मीटर विच इज लाउड एनफ टू बी पेनफुल। जो ह्यूमन ईयर होता है वो कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है? 10^-12 से 1 वाट पर स्क्वायर मीटर, और 1 वाट पर स्क्वायर मीटर इतनी लाउड फ्रीक्वेंसी है, इतना लाउड इंटेंसिटी है कि जिस पे हमारे कानों को दर्द शुरू हो जाता है। बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, सो इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाई फैक्टर्स ऑफ 10। अब ये जो इंटेंसिटीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेंज है, वाइड है, इस वजह से इनको 10^10 में फैक्टर्स ऑफ 10 में क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है या स्केल किया गया है या लिखा जाता है। The barely audible and the faintest intensity of sound that is 10^-12 watt per square meter is taken as reference intensity called zero bell, a unit named after Alexander Graham Bell. वो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, faintest intensity of sound, यानी कि वो इंटेंसिटी जहाँ से इंटेंसिटी शुरू होती है साउंड की, इंसानी ईयर जो रेंज सुन सकता है साउंड की, वो जहाँ से शुरू हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फेंटेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10^-12 वाट पर स्क्वायर मीटर कहते हैं, जो किसकी इक्वल होती है, जीरो बेल की इक्वल होती है। बेल क्या है, यूनिट है इंटेंसिटी का, वाट पर स्क्वायर मीटर भी इंटेंसिटी का यूनिट है, लेकिन जब 10^-12 वाट पर स्क्वायर मीटर है जिसको हम फेंटेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, वो जीरो बेल की इक्वल होगा। और बेल इसको क्यों कहते हैं, यूनिट का नाम बेल क्यों दिया गया, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक साइंटिस्ट है, इसने अपने नाम पे क्या किया था, जो यूनिट था उसको बेल कहा था। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन के नाम पे न्यूटन है, तो इसी तरह जो साउंड इंटेंसिटी है, जो साइंटिस्ट था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसने अपने नाम पे यूनिट क्या नाम दिया, बेल का नाम दिया। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट ऑल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। जो लाउडनेस होती है साउंड की वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड कर रही होती है। द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रादर देन द अदर। जो इंसानी कान है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कुछ के लिए नहीं होता। साउंड इंटेंसिटी लेवल को अब हम फाइंड करते हैं। The loudness of sound L is directly proportional to the logarithm of intensity I. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें, L directly proportional to log of I, यानी कि loudness directly proportional होता है logarithm of intensity के, L directly proportional to log I. जब proportionality का साइन ख़त्म करेंगे तो L equal to K log I आ जाता है, और इसको equation 1 का नाम दे देंगे। वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ इंटेंस ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि एल नॉट लाउडनेस है फेंटेंस ऑडिबल साउंड की जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो, तो एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई नॉट। यही जो इक्वेशन थी जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एल नॉट और आई नॉट पुट कर दिया है फेंटेंस ऑडिबल साउंड के लिए, L not equal to K log I not, और इसको equation 2 का नाम दे दिया। Subtracting 2 from 1, 2 जो second equation है, जो faintest audible sound है, उसको हमने इस normal audible sound से subtract करना है, equation 2 को equation 1 से subtract किया, तो ये क्या हो जाएगा, left hand side को left hand side से और right hand side को right hand side से subtract करेंगे, L minus L not equal to K log I minus K log I not आ जाएगा। L माइनस एल नॉट इक्वल टू, यहाँ से K कॉमन आ जाता है, K इंटू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट हो जाता है। L माइनस एल नॉट इक्वल टू K लॉग आई ओवर आई नॉट।
मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जब दो क्वांटिटीज़ पे लॉग अप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस का साइन है तो वो डिवाइड हो जाते हैं और लॉग बाहर आ जाता है। अगर प्लस का साइन होता तो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये प्लस का साइन हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल साउंड लेवल ऑफ द अननोन साउंड। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज गिवन बाय जो डिफरेंस है एल माइनस एल नॉट का, लाउडनेस एल ऑफ द अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल साउंड लेवल ऑफ द अननोन साउंड। यानी कि ये जो डिफरेंस हमने फाइंड किया है इसको क्या नाम देते हैं हम, इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल अननोन साउंड का। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड इज गिवन बाय, हम क्या कर देंगे, एल माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट था तो साउंड इंटेंसिटी लेवल किसकी इक्वल आ जाएगा, ये हमने इस में लिखा है कि ये जो डिफरेंस है उसको हम इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल का नाम देते हैं, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल आ जाएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट के, और इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड दैट इज आई इक्वल टू 10 आई नॉट एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। कि इंटेंसिटी आई जो किसी भी अननोन साउंड की है वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो आई नॉट से, यानी कि आई इक्वल हो 10 आई नॉट के, तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसका जो यूनिट है वो हम बेल कंसिडर कर लेते हैं और वहां पे के की वैल्यू 1 होती है। द इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट था तो के की वैल्यू 1 पुट कर दी और यहाँ पे यूनिट क्या लिख दिया, बेल लिख दिया। ये कब होगा, जब आई इक्वल होगा 10 आई नॉट के। बेल इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड, जनरली ए स्मॉलर यूनिट कॉल डेसिबल इज यूज्ड। डेसिबल इज एब्रीवेशन एज डीबी। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। कि जो बेल है वो बहुत बड़ा यूनिट है इंटेंसिटी का, तो हम नॉर्मली स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं इंटेंसिटी के लिए, और वो स्मॉल यूनिट क्या है, डेसिबल है। प्रीफिक्सेस में डेसी 10 की इक्वल होता है, तो इस वजह से क्या है कि आपने ये बात याद रखनी है कि 1 बेल इक्वल होगा 10 डेसिबल के, 1 बेल इक्वल टू 10 डीबी। इंटेंसिटी लेवल किसकी इक्वल हो जाएगा, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट इनटू डीबी। ये जो इक्वेशन थी बेल की जगह पे डेसिबल लिखा तो क्या हो जाएगा कि जहां पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डीबी। ये बेसिकली बेल बहुत बड़ा यूनिट था तो 1 बेल की जगह पे 10 डीबी पुट करना है, तो डीबी इधर लिख दिया और 10 हमने इक्वेशन से बाहर लिख दिया है। By using this equation, we can construct a scale for measuring the intensity level of sound. Such scale is known as decibel scale. तो हम इस equation की मदद से एक scale बना सकते हैं, जिस scale की मदद से हम क्या करेंगे, different intensity levels find कर सकते हैं। तो ये एक scale diagram में दिखाया भी गया है कि 0 dB पे कौन सी sound है, 10 dB पे कौन सी sound है, 20 dB पे, इसी तरह different जो intensity level हैं उन पे डिफरेंट साउंड्स बताए गए हैं कि ये साउंड इसके होते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फैक्टर्स डिपेंडिंग साउंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स को डिस्कस किया और साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड पे फाइंड किया। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।